महामंत्री कार्यक्रम जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय भूपेंद्र जी, सांसद श्री अरविंद केजरीवाल, सांसद श्री जसवंत सिंह भाई बिश्नोई और श्री किशन सिंह जी, विधायक गोपाल जोशी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, पूर्व मंत्री मारिक जी, जिला अध्यक्ष राम गोपाल जी, श्री बिहारी जी, शहर जिला अध्यक्ष और श्री बापा राम जी और पूर्व जयसा और उपस्थित सारी माताएं बहने, आप लोग सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि इतनी गर्मी में आप लोगों ने यहाँ आके हमारा सबका सम्मान ही नहीं बल्कि इतने प्यार से यहाँ स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी। मुझे मालूम है माता बहने, आप कितने पसीने में तर हो, क्योंकि मैं ही पसीने में तर हूँ, और उस बीच में आप लोगों ने ऐसा पूरा पंखा कर करके उसके बाद जो भी वही तर से मत करके बैठी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि गर्मी में वाकई में अग्नि परीक्षा हो रही है। फिर साथ में जो मेरे भाई और बुजुर्ग आए हैं उन सब लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और यहाँ आके गर्मी के अंदर हम सबका इंतजार के साथ स्वागत किया है, इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। ये अब मेरा पांचवा चरण है, आज है महाराणा प्रताप उनकी जयंती और उनकी जयंती के दिन मैं शुरुआत करना चाहती हूँ उनको याद करते हुए। राजस्थान का और राजस्थान का नहीं पूरे देश का वीर सपूत, एक वीर योद्धा, एक स्वाभिमानी पुरुष, एक ऐसा झंडा है जिसने अपनी जनता के लिए काम में कोई कमी छोड़ी नहीं, ऐसे व्यक्ति को हम सब की ओर से आज हम लोग बहुत बहुत प्रणाम और बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऐसे वक्त पे ऐसे लोगों को याद करना ये बहुत जरूरी काम है। आज आप लोगों के बीच में ऐसे वक्त में आने का ये मौका मिला है। मैं खाली दो चीज आपके सामने रखना चाहती हूँ और जो नौकर की बात है वो है सबसे पहले पानी की बात। मैं बात नहीं हूँ जो भी एक प्रदेश को चलाता हूँ और जो कि 65 वर्ष हो गए लोग कर चुके, तो ये जरूरी है कि मूलभूत सुविधाएं जो अपनी है वो अपने लोगों को मिले। जब मैंने पता किया कि जगह जगह पर पानी की जो जोरदार समस्या है वो आप ही के यहाँ नहीं, चारों जो प्रदेश से निकल के आई हूँ चारों जगह पर पानी की समस्या जोरदार तरीके से हमें देखने को मिली है, और यहाँ भी जोरदार फ्लोराइड जो पानी आप लोगों को पीने का पानी 4.5 साल में जो मिल जाना चाहिए था, तो हमारी सरकार के काल में हमने 300 करोड़ आप लोगों के लिए अलग से पानी की व्यवस्था बना के रखी थी, आज उसको अगर इन लोगों ने पूरा कर दिया होता तो मैं समझती हूँ कि पीने के पानी की कोई मुसीबत आप लोगों को नहीं होती और आज यहाँ की जनता भी सुखी होती। परंतु क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों का ध्यान नहीं किया, 4.5 साल ऐसे ही गुजरने दिए और आखिरी 6 महीने के अंदर 4 करोड़ रुपया आगे आप लोगों के सामने रख के ये दिखाने की कोशिश की कि हम आपको पानी की समस्या को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि इन लोगों ने 4.5 साल के अंदर ये मीठा पानी आप लोगों को पिलाने का काम क्यों नहीं किया, जबकि पैसे की कोई कमी नहीं थी और अब मैं कह रही हूँ कि पानी को मैं पिलाऊंगी, आप लोगों को मीठा पानी मिलेगा। जो हम लोगों ने काम चालू करा था और राजस्थान में सबसे पहले जहाँ हो सकेगा वहाँ मीठा पानी पिलाने का काम ये हमारी राष्ट्रीय सरकार तो पहला काम हमारी सरकार ही करेगी। उसके साथ साथ दो बड़े काम है और वो है बिजली का काम। मैं आप लोगों से चाहती हूँ, पूछना भी चाहती हूँ आप लोगों से, क्या आप लोगों को किसानों को सही बिजली मिल रही है क्या? 8 घंटे बिजली किसानों की मिलती है क्या? मैंने देखा यहाँ कि घरेलू बिजली जो महिलाओं को मिलना चाहिए था 22 या 24 घंटे वो आपको मिल रही है क्या? जाते जाते मैंने जो आपके लिए घरेलू बिजली की थी माता बहने, एक अलग से सिंगल फेज
की लाइन आप लोगों को दी थी, जिससे 24 घंटे बिजली आपको मिलना था, और मैं समझती हूँ सरकार अपनी रह जाती तो ये बिजली आपको आराम से मिलती, परंतु मैं देख रही हूँ कि किसानों को 3 या 4 घंटे को भी मुश्किल से, आप लोगों को भी शहर के अंदर 15-16 घंटे, और नहीं तो गांव के अंदर 7 या 8 घंटे मुश्किल से बिजली और वो भी ट्रिपिंग के साथ मिलती है। क्या ये सही है? ये सही है। घरेलू बिजली को 3 बार इस सरकार ने अपने टाइम में बढ़ाया, सितंबर 2011, उसके बाद अगस्त 2012, और अब जून 2013 के अंदर 13-14% आपका बिल बन गया है। इसी तरीके से घरेलू बिजली को छोड़ के बिजली के दाम 5 और 5 पड़े। सितंबर 2009 में जल संरक्षण के नाम पे, अप्रैल 2010 में शहरी विकास के नाम पे, जनवरी 2011 में यूनिट इंडक्शन पॉलिसी के ऊपर, और 2013 के अंदर सभी उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज के नाम पे, और अब मार्च 2013 के अंदर फिर से शहरी विकास के नाम पे आपका बिजली का बिल 5 दफा और बढ़ा है। बिजली की किस्म, घरेलू बिजली जो हमारे टाइम में 3 रुपए 3.5 रुपए थी, अब 5.5 रुपए कांग्रेस के टाइम में हो गई है। अघरेलू श्रेणी की बिजली जो 5 रुपए हमारे टाइम में थी, आज 6.5-7 रुपए तक, 6.7 रुपए तक उसकी बढ़ गई है। छोटे उद्योगों के लिए जो हमारे 3.5 रुपए थे, आज उनके 4 रुपए बढ़ाती रहते हैं, और मझले उद्योग के भी बढ़े हैं, बड़े उद्योगों के लिए भी बढ़े हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से अगर बिजली बढ़ती गई तो बहुत सारे लोगों को सही तरीके की बिजली मिलेगी नहीं, और मैं मानती हूँ कि 65 साल के बाद पानी और बिजली, ये दो काम आप लोगों को पहुँचाने का काम किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है, और अगर वो नहीं करती है तो वो सरकार को उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। मोटर चेकिंग जब होती थी आप लोगों की, और हमारे प्रति हाउस पावर पे अगर आपको मिलता था कि ज्यादा है, तो हमारे समय में 630 रुपया आपको पेनल्टी लगती थी, अब कांग्रेस के टाइम में 7,000 रुपया पेनल्टी लगने लगी है। और मैंने सबको कह दिया कि ये जो VCR वगैरह चल रहे हैं ना, कई लोग अपने अपने जेब भर रहे हैं उस VCR की वजह से, और मैंने इसको सबको चेतावनी दे दी है अधिकारियों को, कि जिन जिन लोगों ने ऐसी बदमाशी की है और अपने जेब भरे हैं, उनकी इंक्वायरी होगी, और अगर उस इंक्वायरी के अंदर ये पाया गया तो दोषियों को भी पूरी तरह से पनिशमेंट किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो उन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं उसकी इंक्वायरी करने के बाद वो पैसे लौटाया जाएगा। ये भी सड़कों की हालत, सड़कों की हालत सब दूर जर्जर है। मैं अभी आपका भी पता कर रही थी तो मैंने पता किया कि नौका के अंदर भी सड़कों को मरम्मत करने की जोरदार जरूरत है, और उसके साथ साथ बिजली की अघोषित कटौती, और जो बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है समय पे, ये भी हम लोगों को मालूम पड़ा। हमने पता किया था, ये बताऊँ आपको, अपने समय के अंदर 10.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम सरकारी और गैर सरकारी हमने किया, सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दी, खाली झूठे वादे कर करके 7.5 साल निकाल दिए, और अब रेवड़ी बांटने का काम कर दिया है। अब रेवड़ी आप ही की है, उसको लेने में कंजूसी मत करना, ले लो, परंतु याद रखना कि राजस्थान को अगर विकसित करना है, राजस्थान को अगर देश के मानचित्र के ऊपर ला के छोड़ना है, तो जिस तरीके से गुजरात ने किया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने किया, उसी तरीके से हम लोगों को सबको मिलकर मेहनत करने की जरूरत होगी। या एक आदमी उसको नहीं कर सकता, क्योंकि एक के हाथ करंट बिजली का ऐसे ही आता है, ऐसे ही आएगा, आपको घर में नहीं आएगा, वो ऐसे ही आएगा, उसको लगो मत छिपक के। सब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक आदमी से नहीं होगा ये काम, 36 के 36 कौम और सब मजहब मिल के करेंगे, और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर राजस्थान को देश के नक्शे और दुनिया के नक्शे के ऊपर ले जाने का काम हम लोग मिलके करेंगे। क्या तैयार हो? वो काम करने के तैयार हो? धराए के
चमकाएंगे। हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो सब लोग अपनी मुट्ठी ऊपर करके मेरे को ये कह दो कि लोकसभा के अंदर भाजपा की जीत होगी। हम राजस्थान का नारा जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आपको बहुत सारा प्यार और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की सरकार जिसने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, हमारे राजस्थान के रहने वालों के साथ जिस तरीके का कुठाराघात किया है उसको खुशी से उतारने का काम आप लोग करोगे और अपनी सरकार को मान ले जाओगे ताकि हम लोग मिलकर राजस्थान का विकास कर सके। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा जी संघर्ष करो।